गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम कल अपने जिले को अपर सचिव महोदय ने असंतोषजनक कोरोना वायरस COVID-19 को असंतोषजनक घोषित किया है, इसलिए अब अपने यहाँ थोड़ा सा सख्ती और बढ़ गई। हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग शासन प्रशासन हमारी हित के लिए नियम कानून बना रहा है, लेकिन हम लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। शाम के समय अधिकांश बच्चे जो है ना ग्रुप के रूप में कहीं 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 बैठते हैं, सड़क पर गुमराह ग्रुप में ही घूमते हैं। ये अपने लिए तो ठीक ही ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो कृपया करके आप लोग हमेशा अपने घरों के अंदर रहें और सुरक्षित रहें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, किसी से मेल मिलाप ना करें, और आगे इस पर और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट का एसर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बताए थे, आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू कर रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले तो सबसे पहले ये है, जो वाक क्या से प्रारंभ होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। जो वाक क्या से प्रारंभ होते हैं उनका बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कर्ता, फिर क्रिया की पहली अवस्था, तत्पश्चात कर्म, इसके बाद अन्य चीजें लिख करके वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा, जो वाक डबल इंट्रोगेटिव होते हैं या जिनमें वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे वाक्यों के लिए सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात सब्जेक्ट, इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, तत्पश्चात ETC रख करके अन्य चीजें रख करके वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। तीसरी चीज, प्रश्नवाचक वाक नकारात्मक होने पर, जो वाक प्रश्नवाचक हैं लेकिन नकारात्मक है, उन वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट लिखते हैं। अब देखिए, जैसे क्या राम एक पत्र लिखता है, क्या राम एक पत्र लिखता है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। क्या राम एक पत्र लिखता है, तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या के लिए, राम के लिए क्या लिखेंगे, डज, फिर कर्ता क्या है, राम। राम एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के लिए डज का प्रयोग होगा, तो डज राम, और क्रिया की पहली अवस्था, इसमें एस या ES नहीं लगेगा, ये केवल सिंपल में लगता है, तो डज राम राइट ए लेटर, और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा देखो, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए,
वे कर्ता क्या है इसमें, वे है, और वे के लिए हम क्या लिखें, डू की डस, तो बहुवचन कर्ता है इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, डस डू, बहुवचन कर बहुवचन कर्ता के साथ क्या लिखना है, डू, और वे के लिए दे, डू दे खेलना, देखिए क्रिया क्या है, प्ले, और क्या प्ले करना है, क्रिकेट, सी आर आई सी ए, डू दे प्ले क्रिकेट। इसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, डबल इंटरोगेटिव वाला, वे कहाँ रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं। अब देखिए वे कहाँ, इसमें प्रश्न सूचक शब्द आया है आपका कहाँ, तो क्या लिखेंगे, वेयर, वे के लिए डू, और क्या है कर्ता, वे, वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। अब एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देख लीजिए, सीता क्यों नहीं पढ़ती है, सीता क्यों नहीं पढ़ती है, तो क्या होगा, अब क्यों की अंग्रेजी वाई, क्योंकि प्रश्न सूचक शब्द है, तो प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, तो वाई और सीता के लिए हम क्या लिख दें, डज, एक वचन करता है इसलिए डज, फिर क्या आ जाएगा, वाई डज सीता, अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट और पढ़ना रीड है, और वाक्य अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह है लगा देते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आपको हम होमवर्क